दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि फैटी लिवर के मरीज अगर चाहते हैं कि उनका फैटी लिवर ठीक हो तो उनको क्या परहेज करना है। तो आप सब जान लीजिए फैटी लिवर होता क्यों है। तो फैटी लिवर होता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से, स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से, प्लस एक्सेस ऑफ रिफाइंड ऑयल से। फैटी लिवर घी, मक्खन या सरसों तेल या ड्राई फ्रूट या नॉनवेज या अंडा से नहीं होता है। तो फैटी लिवर होता है रिफाइंड कार्ब एंड रिफाइंड ऑयल से। तो आपको परहेज क्या करना है, आपको चीनी बहुत कम, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैदा की चीज़ें, आटा की चीज़ें, इसके बाद हमारा वाइट राइस की चीज़ें, इसके बाद मकई का आटा की चीज़ें नहीं लेनी है। बिस्किट, ब्रेड, मैगी, चाउमीन, पास्ता, ब्रेड, बन, केक्स, चॉकलेट, आइसक्रीम नहीं लेनी है। कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, पिज्ज़ा नहीं लेनी है। इस तरह से आपको सोयाबीन तेल, इसके बाद राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफलर ऑयल नहीं लेनी है। लेना क्या है, तो सबसे पहले आपको वो खाना लेना है जो नेचुरल, जो नेचर मिलता है। आपको खूब सलाद खाना है, हरी सब्जी खाना है। आपका जो प्लेट होना चाहिए कलरफुल होना चाहिए, रंगीन सब्जियां होनी चाहिए। घी मक्खन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है कार्बोहाइड्रेट कट करना पड़ेगा आपको। प्लस आपको अपने ब्लड में इंसुलिन मात्रा घटानी पड़ेगी। बार बार आप क्या होता है, आपको नहीं खाना है, खाना आप खाना केवल 3 बार, नाश्ता, लंच, डिनर, या 2 बार या 1 बार। हर बार खाने से इंसुलिन बढ़ता है, जिससे कि जो भी खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट होकर के लीवर एंड लीवर के अराउंड पेट में जमा हो जाता है। तो आपको पहला कि आपको डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करना है, रिफाइंड ऑयल कम करना है, हेल्दी फैट बढ़ाना है, हेल्दी आपको प्रोटीन बढ़ाने हैं। तो फिर खाना क्या है, खूब हरी सब्जी, सलाद खाया, वो खाना खाना जो जो कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। आप अपने आटे के अंदर भी मिक्स करके आटा बनाएं, गेहूं, सोयाबीन, दाल, जौ, बाजरा, रागी, ये सब मिलाकर एक मल्टीग्रेन आटा बनाएं, जिसमें गेहूं की मात्रा कम हो। लोग करते क्या कि 90% गेहूं डाल देते, बाकी 10% बना नहीं चलेगा। आपको मान लो सपोज कि ऐसा करोगे, आप 1 किलो गेहूं, 1 किलो ज्वार, 1 किलो बाजरा, 1 किलो सोयाबीन, 1 किलो चना, ऐसे करके, मैंने इसमें गेहूं की मात्रा घटानी, क्योंकि गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, उसका रिफाइंड कार्ब होता है उसके अंदर। और अपने जो जो भी आप पीसने वाले जो चक्की वाले से बोलो कि थोड़ा मोटा पीसे, बहुत महीन नहीं पीसना है। जितना महीन पीसोगे उतना आपका जल्दी एब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा, इंसुलिन बढ़ाएगा, और सारा इंसुलिन बढ़ेगा तो जो भी खाओगे वो फैट में कन्वर्ट होकर लीवर में जमा जाएगा। तो लो कार्ब विद हाई फाइबर, तो खूब सलाद, हरी सब्जी खूब खानी है आपको। शराब कभी नहीं पीना है, और रेगुलर वॉक करना है। अगर आप मोटे तो अपना आपको वेट कम करना है, जिससे आपको फैटी लिवर कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। जितने मोटे हो उतना आपको वेट कम करना है। प्लस कोशिश करो इंटरमीडिएट फास्टिंग, कभी कोई एक मील स्किप करो, कभी नाश्ता स्किप किया, कभी लंच स्किप किया, कभी कोई मील स्किप करो। जितना फास्टिंग रहते हो तो इंसुलिन मात्रा कम होती है, और जब फास्टिंग रहते हो तो आपके लीवर का फैट बर्न होकर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग इज वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर फैटी लीवर। बाकी 3 दवाएं होती है, तो विटामिन ई होता है, एक हमारा पाइरग्लिटाजन होता है, एक होता है साराग्लिटाजन। 3 दवाएं होती है जो कि आपका फैटी लीवर ठीक करते हो, ले सकते हो। बट डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। क्लियर है?